यही हालात रहे तो क्या मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का वैसे अगर जंग करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों देखा ये कुत्ता कैसे भौंक रहा है? इनकी जो जिंदगी है वो कुत्ते से बदतर हो गई है, लेकिन इनको जंग लड़नी है। इनके पास नहीं है घर में दाना खाने को, बिजली का बिल दे नहीं पा रहे हैं, और इनको चाहिए कश्मीर। और ये देखिए और क्या क्या भौंक रहा है ये भी। वो बार बार धमकियां देते हैं ना, कहां से देते हैं? सीड फैक्टर पे करता है ना फायरिंग, कहां पे? वो उधर कश्मीर पे बार बार करते हैं ना सीज फायर, तो किस वजह से करता है वो देखना चाहता है ये मुसलमान हैं भी कि नहीं किसी चीज़ के नाम के। अगर उसको इतना शौक है तो थोड़ा सा अंदर आके पता चल जाएगा। वो अभिनंदन आया था ना, उसको चाय पिलाई थी, उसके बाद दोबारा तो नहीं कोई आया अभी। ये क्या बोल रहा है, थोड़ा घुस के दिखाओ साले। 1971 में थोड़ा नहीं पूरा घुसे थे और फाड़ करके एक बांग्लादेश बना दिया था। वे अगर अभिनंदन कुमार को तुम ना छोड़ते तो तुम्हारा देश आज दुनिया के नक्शे कदम से उड़ गया होता। हमारे ऊपर रोज महंगाई ऐसी आ रही है कि हम दूसरे दिन ये सोचते हैं खुदा की कसम गुर्दा बेचकर कम हम बच्चों की रोटी खिलाएंगे। हमारे गरीबों का ये हाल कर दिया इन लोगों ने, हम तुमको क्या बताएं हमारे अंदर क्या है। हम मर चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। हम इनको सीटों पे लाने वाले हैं और हमें ये रोड पे ला के ऐसे छोड़ दिया जैसे कुत्ता पड़ा है। ये इन गरीबों की कुत्ते से बदतर वैल्यू बन गई है। बाहर के मुल्कों में ना इंसान और कुत्ता एक बराबर है, बाहर के मुल्कों में, ठीक है। इधर तो इंसान को कुत्ते से बदतर किया गया है। किसी को देखा दोस्तों, अब मुंह से निकली है इनकी असली सच्चाई। गुर्दा इनको बेचने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई थोड़ी देर बाद इनके मुंह से निकली, लेकिन निकली जरूर। अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी का वीडियो। अगर आप उसकी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नहीं कहा सऊदी यानी कि पाकिस्तानी मेरे भाई हैं, उधर इतने 10 लाख पाकिस्तानियों को क्या मार रहे हैं वो? अच्छा क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है पाकिस्तानियों का हाल सऊदीया में पता है? मजदूरी कर रहे हैं। कितनी बुरे तरीके से उनके से उनको बीट किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, भाई उसने कहा है अपने इंडिया को, तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। अच्छा, इंडिया को उसने भाई कहा है। तो ये बात यहाँ पर तो पसंद नहीं आएगी किसी को? और नहीं आती तो ना है, दूसरी चीज़ें कब पसंद आ रही हैं? क्या वजूहत है दुनिया आज 10 इस्लामी मुल्क G20 की मीटिंग के लिए हिंदुस्तान चले गए, आज कोई भी पाकिस्तान आना नहीं चाहता। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने रिक्वेस्ट की कि हिंदुस्तान जाने से पहले आ जाओ या बाद में आ जाओ, एक दफ़ा पाकिस्तान ही आ जाओ, लेकिन उस बंदे ने भी मना कर दिया आने से। हमारे पाकिस्तान की जो हरकतें हैं ना मुसलमानों वाली रह ही नहीं गई हैं। हरकतें मुसलमानों वाली कौन सी है हरकत वैसे? बेसिक से वहाँ एक से ले लें और 10 तक गिना, कोई एक हरकत दिखा दें ये हमारे मुसलमानों वाली। यार बेसिकली मैं आपको बताऊं, हम हमारे बच्चे जाते हैं सुबह मस्जिद में या मदरसे में पढ़ने के लिए, और माइंड में क्या होता है? और यार पढ़ के आएंगे और करवा के क्या आ जाते हैं? और कोई मुफ्ती आपको सुलह जो जो वाला नहीं मिलेगा। हर मुफ्ती ये कहेगा वो भी काफर है, वो भी काफर है, इसको मार दो, उसको मार दो। मुफ्ती खुद काफर का बच्चा है। आप ये स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, कहीं मुफ्ती आप पर फतवा ना लगा दे? तो पहले थोड़े लगते हैं, इनका फतवा जो है ना काफर कहने पे लगेगा। ये जो खुद मदरसों में कर रहे हैं ये क्या है? और खुद ही फतवे की दुकानें घर में खोली हुई हैं, फतवों की मशीनें इनके पास पड़ी हुई हैं। एक मिनट में फतवा दिया, लो जी फलां काफर और फलां जंदीक और फलां वाजिबुल कतर और फलां ये। और जरा वाला में भी ऐसा हुआ, मतलब उसकी तहकीक ही नहीं की गई। वो मौलवी साहब ने जो सिरे से अनपढ़ है बेचारा, कक का पता नहीं, उसने मस्जिद में ऐलान कर दिया, चलो जी निकलो जी निकलो जी। वो गरीब लोग बेचारे जिनके घर जल गए हैं, वो बेचारी लड़की है जिसका जहेज का सामान है, दूसरे जिसने भी अगर कोई गुस्ताखी की है कुरान पाक की या नबी आका दो आलम की गुस्ताखी की है, वो उसको करार बाकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि पूरी आबादी को जला लें। यहाँ पर हम खड़े होकर अगर हम मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, तरक्की की, अगर उसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की बात आ जाए तो यहाँ पर गद्दार करार दिया जाता, कहा जाता कि ये एजेंट है, हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा, अपनी बुराइयाँ बयान कर रहा। अब मुझे बताएं कि इस टाइम क्या मुल्क की ज़रूरत है, मुल्क के जो हालात हैं अभी, जो हालात आपको लगता है कि मुल्क की जो खामियाँ वो छुपाने की है या बताने की कि भाई ये हालात ख़राब है इसको ठीक किया जाए, या हम भी कहते रहे सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा, तो आप भी खुश, मैं भी खुश, सारे खुश, कोई मसला ही नहीं? अब पहली बात मैं आपको बताऊं, जो इंडिया में हो रहा है ना वो अपनी मेहनत के बलबूते पे कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और हम जो कर रहे हैं अपनी नाकामियों के बलबूते पे फेस कर रहे हैं।
दोस्तों इस बंदे की बात सुन के आपको क्या लगा? क्या ये जो पाकिस्तानी देश है ये वहाँ के मौलानाओं की वजह से बर्बाद है कि वहाँ की पब्लिक ही ऐसी है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में देखा जाए पाकिस्तानियों की थूथू हो रही है? वैसे आपकी क्या राय है इन बातों को लेकर के कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुँचा सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Bye-bye.